अगली खबर आ रही है छतरपुर से, जहां भिंड के दंदौरा धाम में बेकाबू हुई भीड़ में कुचलने से वृद्ध महिला कृष्णा बंसल की मौत के बाद पुलिस और बागेश्वर धाम महंत धीरेन्द्र शास्त्री का एक बयान सामने आया है, जिसमें पुलिस डीएसपी सौरभ कुमार ने बताया कि मंदिर प्रांगण और कथा स्थल पर किसी भी प्रकार की भगदड़ की अफवाह गलत है। मंदिर में महिला दर्शन करने के लिए जा रही थी, उसी वक्त ज्यादा भीड़ होने के चलते तीन महिलाएं अचानक सीढ़ियों से फिसलकर गिर गई, और जिससे मुरैना की रहने वाली एक वृद्ध महिला कृष्णा बंसल की सफोकेशन के चलते दम घुटने से मौत हो गई, जबकि दूसरी महिला जिला अस्पताल में भर्ती है और एक महिला की प्राथमिक उपचार के बाद छुट्टी कर दी गई है। पुलिस बल की पर्याप्त व्यवस्था है और कार्यक्रम सुचारू रूप से जारी है। वहीं बागेश्वर महंत कथा वाचक धीरेन्द्र शास्त्री जी से महिला की मौत के बारे में सवाल पूछा गया तो उनका कहना था कि कथा स्थल पर किसी भी प्रकार की कोई भगदड़ नहीं हुई है। महिला की मौत मंदिर जाते समय रास्ते में मंदिर गेट पर सीढ़ियों से फिसलने के चलते दम घुटने से हुई है, और वह महिला पहले से ही बीपी और शुगर की बीमारियों से पीड़ित थी। अचानक भीड़ में गिरकर दब जाने से सफोकेशन के चलते उसकी मौत हो गई है। चेहरा डाल थोड़ा साफ पत्र लगे वो कैसे कैसे क्या हुआ? धक्का के मारे हुए इंग्लैंड पे एकदम जग गए। एक लड़की आ गई थी मारे, और हम दो जने तो आदमी ने खींच लाए दो जने तो कितने लोग घायल हुए हैं? अब पता नहीं है, हमें तो घबराहट सी है रही से। हम तो दर्शन करके फिर आ गए, बैठ गए। कितने बजे होंगे टाइम पे? 1:30 बजे का टाइम है। क्या नाम है आपका? मनोरमा। कहाँ की निवासी हो? कुमार के। हम अभी जब अंदर थे तब हमें पूरी यात्रा का विस्तार पूर्वक पता लगा। मंदिर में थे, वहाँ समुदाय मंदिर में थी वह माता जी, जो बताया गया समुदाय बहुत था। सफोकेशन के कारण उनको हार्ट की दिक्कत पूर्ववत थी, जो उनके परिजनों ने स्टेटमेंट दिया है, और उसके साथ ही उस कारण से उनके श्वास रुक गई है। और यहाँ ऐसी कोई न भगदड़ हुई है न हो सकती है, प्रशासन की पर्याप्त व्यवस्था है, और शासन प्रशासन को पूज्य महाराज जी को बहुत साधुवाद। मंगलवार होने से मंदिर दर्शन करने हेतु एवं बागेश्वर महाराज की कथा होने से भीड़ की संख्या काफी अत्यधिक थी। इसी दौरान मंदिर दर्शन के समय घंटा गेट के पास सीढ़ियों से चढ़ते समय तीन महिलाएं गिर गई, और जो है सीढ़ियों से टकरा के गिर गई, जिनको तुरंत ही जो है उपचार के लिए अस्पताल ले जाया गया, जिसमें एक महिला जो है जो भी मुरैना की थी वो बिल्कुल स्वस्थ होकर के वो परिजन के साथ घर चली गई हैं। दूसरी महिला जो है वो इलाज अभी रत है अस्पताल में, और स्थिति उनकी बहुत अच्छी है अभी। और तीसरी एक महिला जो है बुजुर्ग महिला, उनकी जो है मृत्यु हो गई है, जिसमें जो होता है मुरैना निवासी हैं वो, और उनका जो है डॉक्टर से भी चर्चा हुई है। उन्होंने बताया है कि उनको पहले जो है परिजन ने बताया कि उनको पहले बीपी एवं शुगर की समस्या थी, और उन्होंने डॉक्टर ने बताया कि उसमें सीढ़ियों से टकरा के गिरने से घटना हुई है, एवं सफोकेशन एवं दम घुटने से उनकी मृत्यु संभवतः हुई है। कई खबरें आ रही है भादड़ मची थी, इस प्रकार की घटनाक्रम है क्या? नहीं, बिल्कुल ये खबरें जो है बिल्कुल भ्रामक एवं निराधार है, इस पे बिल्कुल कोई भी ध्यान न दे, और संपूर्ण व्यवस्था भी जो है शांतिपूर्ण सुचारू तरीके से चल रही है। मृतक महिला के परिजन ने व्यवस्थाओं पे आपत्ति उठाई थी, प्रशासन लगा था व्यवस्थाएं सही नहीं, इसलिए हमारी मां की मौत हुई है। नहीं, व्यवस्था तो बहुत अच्छी है, पुलिस प्रशासन ने बहुत अच्छी व्यवस्था की। क्या और पुलिस बल बढ़ाया जा रहा है क्या? नहीं, पुलिस बल की संख्या तो है, और अपन भीड़ को देखते हुए और पुलिस बल की संख्या बढ़ा। लगभग कितनी भीड़ हुई होगी आज? आज 3 लाख से अधिक आज भीड़ थी करीब। इतने सुंदर सुंदर गहने लाए, दुल्हन के रूप में 4 चांद लगाए। के रिश्ते को और गहरा बनाए, समदड़िया आभूषण का जादू है छाए।